मध्य प्रदेश के सागर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के चलते हर साल की तरह इस साल भी शहर के तीन बत्ती पर शहर विधायक शैलेंद्र जैन के तत्वाधान में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लगातार 13 सालों से हो रहे इस आयोजन को लेकर इस बार प्रतियोगिता में शहर की 13 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता शुरू होते ही युवाओं की भीड़ जमा हो गई। डीजे की धुन पर युवा जमकर थिरके। पहली टीम मटकी फोड़ने के लिए मैदान में पहुंची। टीम के सदस्यों ने कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अन्य टीमों ने भी मटकी फोड़ने का प्रयास किया लेकिन मटकी तक नहीं पहुंच पाए। मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान फायर फाइटर से पानी की बौछारें की जा रही थी। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। इसी बीच प्रतियोगिता के पहले ही राउंड की 8वीं टीम नव जागृति गणेश समिति केशवगंज मैदान में उतरी और मटकी फोड़ने का प्रयास शुरू किया। देखते ही देखते टीम के सदस्य मटकी के पास पहुंचे और मटकी फोड़ दी। जैसे ही मटकी फूटी तो कार्यक्रम स्थल पर गोविंदा आलारियाला, जरा मटकी तो फोड़ ब्रजवाला गूंज उठा। चारों तरफ युवाओं की टोलियां गानों पर झूमने लगी। पानी की बौछारें की गई। जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाए गए। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को पंचामृत और पंजरी का प्रसाद बांटा गया। कार्यक्रम के अंत में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नगर विधायक शैलेंद्र जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोटिया और निगम अध्यक्ष वृंदावन अहरवार ने विजेता टीम को 31,000 रुपए नगद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बाकी शेष 12 टीमों को भी पुरस्कार भेंट किए गए। सागर से आदर्श दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश।